नमस्कार मित्रों, एक और प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 906 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED मुख्य परीक्षा 2024 जो कि आज आपका हुआ था द्वितीय वर्ष योग शिक्षा 26 जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम था इसका पूरा ही सॉल्यूशन चेक करेंगे। और आपको बता दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिए रहते हैं, समय रहता है 3 घंटा, 25 नंबर का पेपर आता है आपका योग शिक्षा का। तो इसमें क्या रहता है कि आपको जो 2 नंबर से 4 नंबर तक के रहते हैं, 2 अंक के निर्धारित शब्द सीमा इसमें होती है 30 शब्द की। प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उस प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द की सीमा आपको बताई दी गई है 30 शब्द की सीमा रहती है इसमें। तो आपको 30 या 30 से ज़्यादा 40, 50, 25, 30 तो आपको नॉर्मल करने ही करने होते हैं इसमें। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो 30 शब्द तो आप बनाकर लिखिए 20 या 30 के अंदर, और उसके रिलेटेड ही लिखिए। ऐसा ही नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है आप कुछ और बता रहे हो, पूछा गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है आपको, लिख रहे हो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। तो उससे रिलेटेड महात्मा गांधी के बारे में आप लिखो, कुछ भी बना के लिखो तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उल्टा सीधा नहीं लिखना था आपको। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 से 6 यहाँ पर 3 अंक के हैं, 75 शब्दों में आपको लिखना था, 75 लिखो, 70 लिखो, 70 से लेके 80, 100 ऊपर चाहे जितना फिर तुम बना दो, 150 शब्दों का भी कर सकते थे, क्योंकि पेपर जो काफ़ी आप रहते हैं और काफ़ी छोटा सा पेपर है, तो आप आराम से बनाकर लिखते रहते, ठीक है, तो आपका हो जाता। प्रश्न क्रमांक 7-8 ये आपको बता दिया गया 120 शब्दों में लिखना था, तो ये आप इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़ लिया करें। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर किस प्रकार से हैं। तो देखिए सबसे पहला है दिया गया है सही विकल्प चुनिए, एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद भी जो हम आसन कर सकते हैं वो एकमात्र वज्रासन है। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं तो वो होगा आपका वज्रासन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बा आसनों का राजा है, आसनों का राजा किसे माना गया है? तो शीर्षासन ही एक ऐसा आसन है जिसे आसनों का राजा माना गया है। हठयोग के अनुसार पूरक कुंभक एवं रेचंग का अनुपात है, तो इसका अनुपात क्या होगा? काफ़ी बच्चे ये सेकेंड ऑप्शन करके आ रहे हैं 1:2:3, कुछ ए भी करके आ रहे हैं 1:2:4, 2:6 भी, लेकिन आपको सही अनुपात ये होगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 1:4:2। तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 बंधों का संयोजन कहलाता है, तो ये हो जाएगा महाबंधन। महाबंध में आपके 3 बंध जरूर होते हैं, 2 बंध होंगे तो नहीं होगा, केवल 3 बंध होंगे या 3 से अधिक होंगे तो वो आपका महाबंधन जरूर हो जाएगा। 3 बंधों के मेल से ही महाबंध बनता है, जैसे कि मूल बंध भी होता है महाबंध के अंदर, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, तीनों ही प्रोसेस होती हैं महाबंध के अंदर, तो इन तीनों ही के संयोजन को ही महाबंध बोलते हैं। तो देखिए योग सूत्र के रचनाकार है, योग सूत्र के रचनाकार ये आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, योगी व्रतधारी गुरु गोरखनाथ महर्षि वशिष्ठ। तो योग सूत्र जो दिए गए थे वो दिए गए थे महर्षि पतंजलि द्वारा, ठीक है। तो योग सूत्र के रचनाकार कौन हुए? महर्षि पतंजलि। इस प्रकार से काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस दिए गए थे यहाँ पे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में करना था आप लोगों को, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी में ही दे रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था आपसे, शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। शारीरिक मुद्रा के आधार पर आप लोगों को आसनों को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है वो सब आपको बता देने था। और यहाँ पर योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो योग मुद्रा के बारे में आप कुछ भी बनाकर लिख देते थोड़ा बहुत जो भी आप पढ़ के गए थे, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। बस आपको सब सीमा 30 इसमें रखनी थी, 30, 25, 30 तो आपको लिखने ही लिखने थे। 4 लाइनों के अंदर आपको 30 शब्दों की सीमा हो जाती, और भी बड़ा बनाना चाहते थे तो आप बना सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया था, शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताइए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात की आप लोगों को ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो जाना है, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, कोई भी क्वेरी रहती है कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को, न्यू एडमिशन भी चाहिए अगर DELED आप करना चाहते हैं MP से, तो हम आपकी फुल हेल्प करेंगे, आप लोगों को फुल सपोर्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो किए रखना, जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई दे दिया जाता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया गया, शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताइए। शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताना था आपको, प्राणायाम की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। प्राणायाम की 3 विधियाँ का वर्णन कर देना था आपको, आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं DELED में, कुछ खास है नहीं यहाँ पर। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम का एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, आपको पता ही है, जो कि यहाँ पर ये आ चुका है, हर साल आता है, अगली बार भी आएगा, तो आपको प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानकर रखना है। जो फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं, सेकेंड में देख रहे हैं, तो प्राणायाम तो आपको पहले से ही मैंने बता भी दिया था। आसन का अर्थ लिखिए, आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्राणायाम हो गया, आपका आसन हो गया, और आपका योग हो गया,
और पद्मासन, कुछ आसन वगैरह भी ऐसे पूछ लेता है, जैसे पद्मासन आ गया, पद्मासन की विधि, लाभ एवं सावधानियाँ लिखिए, तो ये आपको लिख देना था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था, महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय एवं योग के क्षेत्र में उनका योगदान बताइए। महर्षि पतंजलि के ऊपर जीवनी सी लिखनी थी, यानी कि उनका पूरा परिचय दे देना था, कैसे किस परिवार में जन्म हुआ, क्या करते थे और बालकाल उनका कैसे बीता, उनके पिताजी के बारे में कुछ लिख देते थे, काफ़ी बड़ी स्टोरी हो जाती उनकी जीवनी, जीवन परिचय हो जाता, और फिर लास्ट में उनके योगदान बता देते क्या क्या योगदान उन्होंने दिए, उन्होंने जो महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार से आप लंबा चौड़ा लिख कर आप शब्द सीमा पूरी कर सकते थे। यहाँ पर कितनी शब्दों की सीमा दी गई थी, तो यहाँ पर 5 से 8 आपके 120 शब्दों में आपको 7th और 8th क्वेश्चन आपको करना था 120 शब्दों में। तो आराम से आपका आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे उसमें ही 120 हो जाते हैं, फिर आप और भी आगे लिख सकते हैं, क्योंकि पेज खाली रहते हैं, समय भी आपको 3 घंटा पहले तो आपको छोड़ते नहीं है, तो आप अच्छे से बनाकर लिखते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और मैं दिया गया आदि शंकराचार्य एवं पतंजलि के योग स्वरूप का वर्णन कीजिए, योग में क्या क्या इनके कार्य रहे हैं, उन सब इनकी विशेषताएं वगैरह आप बता सकते थे पूरा डिटेलिंग में, पहले शंकराचार्य फिर पतंजलि को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, प्राणायाम के उपयोगी बंधों का वर्णन कीजिए, प्राणायाम के जो बंध हैं उपयोगी उनका आपको वर्णन करना था, जैसे उड्डयन बंध, ये तो आपको दिया भी गया था, तो इनके बारे में आप लिख देते, जैसे जालंधर बंध हुआ, मूल बंध हुआ, महाबंध हुआ, उड्डयन बंध हुआ, यही महाउपयोगी प्राणायाम बंध है। इस प्रकार से उनके अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देता था, नाम लिखकर फिर नीचे से सभी के बारे में थोड़ी छोटी सी बता देते विशेषता, तो भी आपकी 150, 180, 200 के समथिंग वर्ड हो जाती, 120 बोला गया है, 120 उससे ज़्यादा ही पहुँचते हैं। ठीक है, और मूर्छा प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियाँ समझाइए। तो मूर्छा प्राणायाम अगर आपने पढ़ा होता तो आप अच्छे से जरूर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने हम जो बताया गया कि प्राणायाम के उपयोगी बंधों का वर्णन कीजिए, यही क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने किया है। और यहाँ पर महर्षि पतंजलि वाला, क्योंकि उनके एक के बारे में यहाँ पर शंकराचार्य और पतंजलि के बारे में आ गया, तो पूरे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं डबल डबल लोगों के बारे में बताना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं। कोई भी करोगे आप और वाला करोगे तो और डाल के कर दिया करो, तो उसको चेकिंग करने में आसानी हो जाती है कि हाँ उसको क्लियर पता चल जाएगा कि और वाला इसमें किया है। और सेट नंबर डाल दिया करो, जैसे कॉपी के ऊपर सेट डी, बढ़ने को बोलते भी हैं टीचर्स कि सेट डाला करो, तो इस प्रकार से डाल दिया करो, तो उसको चेक करने में आसानी रहेगी, क्योंकि चार चार सेट होते हैं ABCD करके। आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चेक कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप लोग ग्रुप में ज्वाइन जरूर किए रखना और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।